हिसार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिछिया मंडी में 200 रुपए उछला गेहूं का भाव, रीवा मंडी में आई 97 रुपए की गिरावट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम देखने को मिली। वहीं भाव की बात करें तो 27 दिसंबर को बिछिया मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। रीवा मंडी में नरमी रही, जबकि उमरिया मंडी में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। इन दिनों देश में ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि बुधवार को इसकी आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। बात भाव की करें तो गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में 26 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2200 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही उमरिया मंडी में बीते दो दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 दिसंबर को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। हालांकि रीवा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2417 रुपए, 27 दिसंबर को इसके सौदे 97 लुढ़क कर 2320 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं की एमएसपी को भी बढ़ाया गया है। रबी गेहूं के एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 150 रुपए बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल में की है। इसकी एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं कृषि जिन्सों पर आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहने वाले हैं अनुज गुप्ता जी। आइए मंडी खबर में उनका स्वागत करते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे अनुज जी ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकते हैं गेहूं के भाव। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं की इस बार बंपर पैदावार का अनुमान है। हालांकि देखें तो अभी बुआई चल रही है और जिस तरीके से क्षेत्रफल बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि आगे भावों में हम अच्छी पैदावार की वजह से नरमी आती हुई देख सकते हैं। हालांकि मौसम भी अनुकूल है तो क्रॉप का साइज भी अनुकूल है और क्षेत्रफल भी बढ़ा है, तो हमें लगता है कि आगे गेहूं की पैदावार अच्छी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो वहीं जो किसान है गेहूं के, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, क्या परामर्श देंगे, अभी उन्हें फिलहाल अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? गेहूं के किसानों को सलाह है कि यहाँ पर भी हम ज़्यादा तेजी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, भाव मिले जुले रहेंगे। हमें लगता है कि किसानों को अपनी गेहूं की क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में आगे थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल सकती है। और कहाँ जहाँ तक सवाल है आवक का, वो भी आवक अच्छी बेहतर बनती हुई दिखाई देगी।
बिल्कुल। तो अनुज जी आपसे गुजारिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, कई और कृषि जिनसों के भाव आपसे मंडी खबर में हम जरूर हासिल करेंगे। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। भीतरवार मंडी में 120 रुपए लुढ़क कर 4090 रुपए पर हुए धान के सौदे। लिंगा सुगुर मंडी में 110 रुपए चढ़ा धान का भाव। 149 लाख टन के पार पहुंची खरीफ सोयाबीन की पैदावार। शामगढ़ मंडी में 4640 रुपए पर बिकी सोयाबीन। तो मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धान की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। बात अगर हम करें घरेलू स्तर की, तो इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिसमें लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य में ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है, यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। फिलहाल धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बालाघाट मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। 26 दिसंबर को यहां धान का भाव रहा 1,800 रुपए, 27 दिसंबर को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,800 रुपए ही रहा। मध्य प्रदेश की भीतरवार मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां 26 दिसंबर को 1,121 क्वालिटी की धान के सौदे 4,210 रुपए के भाव पर हुए। 27 दिसंबर को भाव 120 रुपए गिरकर 4,090 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की ही पिपरिया मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 26 दिसंबर को यहां धान 4,280 रुपए के भाव पर बिकी। 27 दिसंबर को भाव 80 रुपए बढ़ा और सौदे 4,360 रुपए के भाव पर हुए। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी रही। 26 दिसंबर को यहां धान का भाव रहा 2,629 रुपए, 27 दिसंबर को भाव 261 रुपए तेज होकर 2,890 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। और भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अनुज जी, अब धान के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आगे आने वाले दिनों में धान के भाव कैसे रह सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान की आवक ऑलमोस्ट हम पूरी होती हुई देख रहे हैं और इस बार धान की बम्पर क्रॉप देखी है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में धान के बाज़ार में भाव थोड़े से नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं, मगर जिस तरीके की निर्यात मांग है उससे लग रहा है कि भावों में तेज़ी का रुख रहेगा। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव नरम रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, उन्हें क्या करना चाहिए फिलहाल? धान के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, क्योंकि निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो हमें लगता है यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, निर्यात का असर भावों पर रह सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नज़र डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन का भाव रहा 7,000 रुपए,
तो वहीं कमलेश्वर मंडी में इसके सौदे 4,330 रुपए पर हुए। राज्य की ही खेड़ मंडी में इस दौरान बैंगन के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर ओके मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरे की। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 27 दिसंबर को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,450 रुपए, तो वहीं लिंगासुगूर मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मेट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मेट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब बाजरे के भाव की अगर हम बात करें तो क्या जानकारी देंगे, आगे किस ओर करवट ले सकते हैं इसके भाव? अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरे के बाजार में हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि इस बार भारत के अंदर बाजरे की पैदावार बम्पर देखने को मिल सकती है। आवक सामान्य है, डिमांड भी सामान्य है, मगर जिस तरीके की आवक एक्सपेक्टेशन है उससे लग रहा है कि आगे भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल सकती है। मगर हमने देखा है कि जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ रही है उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में आवक की वजह से भाव थोड़े बहुत नरम रह सकते हैं या सामान्य रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है, फिलहाल उन्हें अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को रोक के चले, लंबी अवधि में भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं, मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को बाजरे को लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आपसे एक बार फिर से गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और कृषि जिनसों के भाव आपसे जरूर हम जानेंगे आगे मंडी खबर में। लेकिन पहले बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा हरी मिर्च का बाजार भाव।
कर्नाटक की होनाली मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपए, वहीं चिकमंगलुरु मंडी में इसके सौदे 3,947 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि कमलेश्वर मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 2,835 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब आइए बात कर लेते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मेट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मेट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 27 दिसंबर को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में मक्का का भाव रहा 2,100 रुपए। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में इसके सौदे 2,001 रुपए पर हुए। वहीं हरसूद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 1,825 रुपए पर किए गए, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का 3,800 रुपए पर बिकी। मक्का के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी के एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने दुनिया भर में 34,53,680.58 मेट्रिक टन मक्का का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और वही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे मक्के के भाव के बारे में, तो आगे किस ओर इसका बाजार जाता दिख रहा है हमारे किसानों के लिए, खासकर जो मक्का के किसान हैं उनके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे? मक्के की अगर बात करें तो मक्के की इस बार भारत में अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है, और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छी क्रॉप आती हुई देखी है। भावों की अगर बात करें तो भावों में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, भाव सामान्य रहे हैं। हालांकि अच्छी पैदावार होने की वजह से वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर भाव सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं जी। मक्के की अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखें तो लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। क्रॉप की पैदावार अच्छी है तो उससे भी आवक बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई ज़्यादा तेज़ी या मंदी का रुख आपको मक्के में देखने को मिलेगा। मक्के के भाव सामान्यतः एक सामान्य दायरे में ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि मक्के के जो भाव हैं वो सामान्य ही रहेंगे, तो फिलहाल जो मक्के के किसान हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या परामर्श रहना चाहिए? सामान्य स्थिति को देखते हुए अभी फिलहाल उन्हें अपनी फसल के साथ, अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करने की आवश्यकता है? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी क्योंकि क्रॉप अच्छी है तो ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, तो जो भी उछाल मिलता है वहाँ पे बिकवाली करें, अपनी क्रॉप को निकाल के चलें, क्योंकि अच्छी पैदावार की वजह से भावों में हम एक मिलाजुला कारोबार देख सकते हैं। तो हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप अगर जो भी उछाल मिलता है वहाँ बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नज़र डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पिपलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपये, पुणे मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए, खेड़ मंडी में प्याज 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक
सीमित बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। तो वहीं खरगोन मंडी में इसके सौदे 5,075 रुपए पर हुए। राजगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे पीली सोयाबीन 4,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही शामगढ़ मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,640 रुपए पर हुए। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तिलहन पैदावार की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन और सभी तिलहन के अंदर इस बार हम बम्पर पैदावार की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जिस तरीके का मॉनसून गया है, जिस तरीके की हमने बुआई देखी है, लग रहा है कि सोयाबीन के भावों में आने वाले दिनों में पैदावार का असर रहेगा और पैदावार इस बार बम्पर देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सोयाबीन के भावों में और बाकी सभी तिलहन के अंदर भाव एक दबाव में रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो अब आगे सरसों की आवक भी स्टार्ट होने वाली है और सरसों की पैदावार हम बम्पर देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि सभी तिलहनों के अंदर आगे भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। तेजी का अनुमान नहीं है क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली और आवक भी अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल। और अगर हम किसानों के लिए सलाह की बात करें तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहाँ क्रॉप को बेच कर निकलें, क्रॉप को मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवक देखने को मिली है, बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, हमें लगता है कि भाव थोड़े दबाव के साथ रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपने माल को बेच कर निकल जाए, मंडियों का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि एजेंसियों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां आपने हमारे किसानों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में आलू का भाव रहा 711 रुपए। बिहार की जैतीपुर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की खेड़ मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए, जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और आखिर में अब बात कर लेते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके भाव की करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,484 रुपए। तो वहीं भोपाल मंडी में लहसुन 12,150 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। मंडी खबर से जुड़े सवाल या सुझाव आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, आपके सवाल mandikhabar@gmail.com। साथ ही आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सिंचाई पद्धति जो बचा सकती है 70% तक पानी और देती है ज्यादा पैदावार। सूक्ष्म सिंचाई पर देखिए विशेष रिपोर्ट कृषि दर्शन में। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली 27 दिसंबर बुधवार शाम 7 बजे। जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में, वादियों में, बेहड़ों में, रेगिस्तानों में, नदियों के किनारों पे, झरनों के चौबारों पे, हर जगह छुपा है सेहत का खजाना। वन औषधि की खेती से तकदीर बदलती किसानों की। किसान की एक नई प्रस्तुति, एक नया कार्यक्रम। हमारी वनौषधि, हमारे खेत। जल्द आ रहा है डीडी किसान पर, देखना ना भूलिएगा हमारी वनौषधि, हमारे खेत। दूरदर्शन किसान पर नया कार्यक्रम हमारी वनौषधि, हमारे खेत। देखिए 31 दिसंबर से हर रविवार सुबह।